दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए लेकर आए हूँ आईपीएल और क्रिकेट की दुनिया के बड़े अपडेट्स। जसप्रीत बुमराह आईपीएल से हुए बाहर, पंजाब किंग्स ने शुरू की आईपीएल की प्रैक्टिस, गुजरात टाइटंस को बड़ा झटका, मुंबई इंडियंस का नया जर्सी लॉन्च, प्रसिद्ध कृष्णा की रिप्लेसमेंट घोषित, आईपीएल के नए सुपरस्टार्स, वुमेन आईपीएल पर कुछ बड़ी खबरें और भी ढेर सारे अपडेट्स आईपीएल और क्रिकेट की दुनिया जुड़े आपको बताने वाले हैं। और बस आपको आराम से पूरा वीडियो अंत तक देखना है। दोस्तों आपके लिए वीडियो रोज लाते हैं और ये हमारे आईपीएल अपडेट सीरीज का 635वां वीडियो है। और यदि हमारे चैनल का ऐसा नहीं है तो बिना देर के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला अपडेट। दोस्तों हमारी सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है पंजाब किंग्स की तरफ से। पंजाब किंग्स की टीम ने आईपीएल 2023 के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और अपना सीजन के लिए प्रैक्टिस कैंप शुरू कर दिया है। इस बार पंजाब किंग्स की टीम एक नए कप्तान के अंदर खेलने वाले हैं जो कि है शिखर धवन। शिखर धवन पंजाब किंग्स के प्रैक्टिस से कुछ फोटोज पोस्ट किए हैं जिसकी तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं। पिछले साल पंजाब किंग्स की टीम प्लेऑफ तक नहीं पहुंच पाए थे और इस बार शिखर धवन से काफी सारी उम्मीदें रहने वाली हैं। धीरे धीरे आईपीएल की सभी टीमें प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं और सबकी प्रैक्टिस के फोटोज और वीडियोज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहेंगे, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए देखते हैं अपना दूसरा बड़ा अपडेट। दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रहा है मुंबई इंडियंस की तरफ से, जहां पर मुंबई इंडियंस और पूरे आईपीएल के हर एक फैन के लिए एक बुरी खबर है। असल में जसप्रीत बुमराह की तरफ से खबर आ रही है कि बुमराह पूरी तरह से फिट नहीं है और उन्हें रिकवर करने में भी काफी सारा टाइम और लगने वाला है। बीसीसीआई जल्दबाजी में उनकी वापसी नहीं करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में हो सकता है जसप्रीत बुमराह आईपीएल भी मिस कर सकते हैं, यानी कि बुमराह आईपीएल नहीं खेल पाएंगे और ना ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मुकाबले बुमराह खेल पाएंगे जिस तरह का उनका इंजरी चल रहा है फिलहाल में। हालांकि कहीं से कंफर्म नहीं हुआ है कि वह बाहर हुए हैं और हो सकता है वह आईपीएल तक ठीक हो जाए, लेकिन फिलहाल में जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, उसके हिसाब से अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि वह आईपीएल नहीं खेल पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए और आईपीएल खेलें। आप भी ऐसा चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अपना तीसरा बड़ा अपडेट। दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रहा है गुजरात टाइटंस की तरफ से, जहां पर गुजरात टाइटंस की टीम ने आईपीएल 2023 के ऑक्शन में आयरलैंड के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर जॉस लिटिल को 4.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। लेकिन जॉस लिटिल जो फिलहाल में पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहे थे, वह चोटिल हो गए हैं और पाकिस्तान सुपर लीग से बाहर हो चुके हैं। और खबर ऐसी भी आ रही है कि जॉस लिटिल आईपीएल 2023 के बहुत सारे मुकाबले मिस कर सकते हैं, जो कि गुजरात टाइटंस के लिए एक बड़ा झटका है। जॉस लिटिल आयरलैंड के एकमात्र ऐसे एक्टिव खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में इस साल खेलने वाले हैं। जॉस लिटिल आयरलैंड के तेज गेंदबाज हैं और गुजरात की टीम ने उन्हें इतने सारे पैसों में इसीलिए खरीदा क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ एक मुकाबले में उन्होंने 45 रन देकर 4 विकेट लिए थे और भी बहुत सारी टीमें उन्हें खरीदना चाहते थे इसी प्रदर्शन के आधार पर। चलिए देखते हैं अपना चौथा बड़ा अपडेट। दोस्तों अपडेट निकल कर आ रहा है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने भी अपने आईपीएल 2023 की आधिकारिक तैयारी शुरू कर दी है और उन्होंने भी आईपीएल 2023 के लिए प्रैक्टिस सेशन शुरू कर दिया है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस प्रैक्टिस सेशन में सौरभ गांगुली भी थे जो दिल्ली कैपिटल्स के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं। इस प्रैक्टिस में सरफराज खान, पृथ्वी शॉ, मनीष पांडे, खलील अहमद और कुछ डोमेस्टिक खिलाड़ी देखे गए। वैसे आपको बता दें कि पहले भी दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपना प्रैक्टिस शुरू कर दिया था, लेकिन वह कोलकाता में था और वह टेम्पररी कैंप था। लेकिन अब यह प्रैक्टिस कैंप दिल्ली में लगाया गया है और यह प्री सीजन ऑफिशियल कैंप है। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स के कैंप में अफसोस की बात सिर्फ यही है कि इस बार ऋषभ पंत इस कैंप का हिस्सा नहीं है और ना ही वह आईपीएल खेलने वाले हैं। चलिए देखते हैं अपना पांचवा बड़ा अपडेट। दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रहा है मुंबई इंडियंस की नई जर्सी को लेकर, जहां पर मुंबई इंडियंस की टीम ने अपना वुमेन आईपीएल के लिए सबसे पहला जर्सी को रिवील कर दिया है। मुंबई इंडियंस वुमेन आईपीएल में अपना पहला मुकाबला 4 मार्च को गुजरात जायंट्स के साथ खेलेंगे। इसके साथ ही मुंबई इंडियंस का वुमेन टीम का प्रैक्टिस भी शुरू हो चुका है, जिसकी तस्वीर आप यहां देख सकते हैं स्क्रीन पर। और जो आधिकारिक जर्सी मुंबई इंडियंस पहनेंगे उसकी भी तस्वीर आप यहां देख सकते हैं। मुंबई की टीम ने जर्सी को लॉन्च करते हुए यह लिखा है कि इट्स व्हाट सुपर हीरोज वेयर। और जो जर्सी का लॉन्च वीडियो है वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मुंबई का यह जर्सी ब्लू कलर का ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ऑरेंज डाला गया है जो कि मुंबई मेन टीम की जर्सी से इसे अलग बनाता है। वैसे आपको यह जर्सी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं अपना छठा बड़ा अपडेट। दोस्तों अपडेट निकल कर आ रहा है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से और यह जुड़ा हुआ है प्रसिद्ध कृष्णा की रिप्लेसमेंट को लेकर। हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि प्रसिद्ध कृष्णा की रिप्लेसमेंट के तौर पर राजस्थान रॉयल्स की टीम एरन वरुण को घोषित कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई राजस्थान की तरफ से। और इतने में ही अब एक और खबर निकल कर आई है कि राजस्थान रॉयल्स की टीम संदीप शर्मा में इंटरेस्टेड है और हो सकता है कि संदीप शर्मा को प्रसिद्ध कृष्णा का रिप्लेसमेंट के तौर पर घोषित कर दें, यानी कि अरुण वरुण या तो फिर संदीप शर्मा में से कोई एक प्रसिद्ध कृष्णा का रिप्लेसमेंट रह सकते हैं। वैसे भी संदीप शर्मा इस साल बिक नहीं पाए, जबकि वह एक बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज है और पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी करते हैं और अपने 4 ओवर बहुत ही आराम तरीके से निकाल लेते हैं
सकते हैं, खास करके आईपीएल में उनके पास बहुत सारा अनुभव भी है। चलिए देखते हैं अपना सातवां बड़ा अपडेट। दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रहा है सौरभ गांगुली की तरफ से। सौरभ गांगुली ने 5 ऐसे खिलाड़ियों के नाम बताए जो कि आईपीएल में आने वाले 10 सालों में बहुत ही बड़े नाम बन जाएंगे। जिस तरह से आज आईपीएल में विराट कोहली और रोहित शर्मा वगैरह बड़े नाम हैं, बिल्कुल उसी तरह से सौरभ गांगुली के मुताबिक पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, ऋतुराज गायकवाड़, उमरान मल्लिक और शुभमन गिल, यह सभी खिलाड़ी आईपीएल के बड़े नाम रहेंगे। आईपीएल में इन खिलाड़ियों का दबदबा रहेगा आने वाले कुछ सालों में। हालांकि गांगुली ने सूर्य कुमार यादव का नाम इसीलिए नहीं रखा क्योंकि सूर्य कुमार यादव का उम्र ज्यादा हो चुका है और वह फिलहाल में ही सुपरस्टार है और फ्यूचर में उनके लिए कुछ ज्यादा बचा हुआ नहीं रहेगा। वैसे आपके मुताबिक आने वाले 10 सालों में कौन से खिलाड़ी आपके मुताबिक सुपरस्टार रहेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं आठवां बड़ा अपडेट। दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रहा है विमेन T20 वर्ल्ड कप को लेकर, जहां पर आपको हम बता दें कि कल ऑस्ट्रेलिया की विमेन टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम को हराकर 6वीं बार T20 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम का दबदबा है विमेन क्रिकेट पर, जहां पर कुल मिलाकर अभी तक 8 T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले हुए हैं और उसमें भी 6 बार ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है। इसके कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारतीय टीम को सेमीफाइनल में हराकर उन्हें बाहर कर दिया था, जहां पर हरमनप्रीत कौर के रन आउट होने के बाद भारतीय टीम हार गए थे। और यह जो वर्ल्ड कप चल रहा था उसे बहुत सारे लोगों ने देखा पहले, जहां बहुत कम लोग विमेन क्रिकेट में इंटरेस्ट लिया करते थे, अब यह बढ़ता जा रहा है और ऊपर से अब 4 मार्च को विमेन आईपीएल शुरू होने वाला है, वह तो विमेन क्रिकेट का जो आयाम है उसे और ऊंचा करेगा, उसे दूर दूर तक ले जाने वाला है। और आप भी यदि विमेन आईपीएल के लिए एक्साइटेड है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ आज के आईपीएल क्रिकेट पर कुछ बड़ी खबरें, इस तरह के अपडेट्स आपके लिए हर दिन लाते हैं, तो हमारे साथ आप बने रहें और हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जरूर ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं अपनी आईपीएल पर अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।